गूगल पे का UPI पिन चेंज करने के लिए आप गूगल पे एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। अब राइट साइड कॉर्नर में आपको मेरा प्रोफाइल फोटो दिख रहा होगा, हो सकता है आपको लोगो शो हो, आप इस लोगो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, आप इस बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पे फिर से क्लिक करेंगे। अब जो भी आपने गूगल पे के साथ बैंक अकाउंट लिंक किया होगा वो बैंक अकाउंट आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जिस भी अकाउंट का आप UPI पिन बदलना चाहते हैं आप अपने उस बैंक अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर टॉप राइट साइड कॉर्नर में आपको 3 डॉट दिखाई देगा, आप इस 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको सेकेंड नंबर पर ऑप्शन मिल जाएगा चेंज UPI पिन, आप इस चेंज UPI वाले पिन पे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो भी आपने पहले से अपना UPI पिन सेट किया हुआ है अपना उस UPI पिन को यहाँ पर इंटर करेंगे और नीचे यहाँ पर जो आप ब्लू टिक देख रहे हैं आप इस ब्लू टिक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब देख सकते हैं आपको नया UPI पिन सेट करने का जो ऑप्शन है वो मिल चुका है। तो जो भी आप UPI पिन अब रखना चाहते हैं नया, आप अपना उस UPI पिन को यहाँ पर इंटर करेंगे और उसके नीचे आप ब्लू टिक देख सकते हैं, आप इस ब्लू टिक के ऑप्शन पर फिर से क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपना पिन को कंफर्म करना होगा, तो फिर से आप अपने उस नए वाले UPI पिन को फिर से दोबारा यहाँ पर इंटर करेंगे और नीचे फिर से आपको जो ब्लू टिक दिखाई दे रहा है आप इस ब्लू टिक के ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आपका जो गूगल पे का UPI पिन है सक्सेसफुली चेंज हो जाएगा।